रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज, बट ये स्प्लिट होते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिसिस। सेम एज एक और टर्म होता है जिसको कहा जाता है कि ATP, जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो एक फॉर्म में स्टोर होती है जिसे कहा जाता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब ATP जो है वो बनती कहाँ से है, वो ADP से बनती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में। तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से लाइट की प्रेजेंस में, तो इसे कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आमना एंड टुडे वी डिस्कस्ड फोटोलिसिस एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और इन आवर प्रीवियस वीडियोज लाइक लेक्चर 4 वी डिस्कस्ड व्हाट हैपेंस इफ़ ऑल प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट न्यूट्रिशन डज, न्यूट्रिशन क्या करता है। हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव, आप किन चीज़ों से ये बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, या किस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये लिविंग है। आप जो हमारी अर्थ है, कैसे जो हमारे अर्थ पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, आप प्रीवियस वीडियोस में सारा कुछ दिया हुआ है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्राइटेरिया फोटोसिंथेसिस का से रिलेटेड है। हमने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी, हमने ये भी देखा कि फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट होती है। आज हम जो है वो देखेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मतलब क्या हो गया कि जो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो कौन सी जगह पर हो रहा है और कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमने डेफिनेशन तो ऑलरेडी देख ली है और हमने क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट भी हमने देख लिया है कि भाई किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की, H2O की, और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, भाई सूर्य सनलाइट की थी, और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, क्लोरोफिल की। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स थी वो किधर होती हैं, कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे ये प्रोसेस हो सकती है, तो उसको कहा जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है उसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लास्टिड, ठीक है, ग्रीन प्लास्टिड इनसाइड लीव्स, तो ग्रीन अगर प्लास्टिड की बात की जाती है, प्लास्टिड का मतलब क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जो लीफ को कलर देते हैं, उनको प्लास्टिड कहा जाता है। ग्रीन प्लास्टिड हो गया तो ग्रीन कलर दे रहा है, ठीक। तो ये जो पिगमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है प्लांट की फॉर्म, प्लांट के टर्म में, कि क्लोरोफिल पिगमेंट ये सारा कुछ, तो यही जो होते हैं इन्हीं को क्लोरोप्लास्ट और किचन ऑफ सेल कहा जाता है। ये ग्रीन टिश्यूज़ होते हैं जो लीव्स के अंदर और यंग स्टेम में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम लीफ, किसी भी लीफ को, ये जो लीफ है सपोज दैट, इसका जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया कराते हैं और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ से कट कर लिया, अब इस पार्ट को हम माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देख रहे हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है कि छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं यही क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये जो ग्रीन डॉट्स होते हैं यही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब जो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो अगर फिगर इस तरह का देखें, आपके NCERT की बुक में फिगर दिया होगा, और फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन जो है वो फिगर से आपके बहुत आते हैं। सेम कभी कभी फिगर आ जाता है 1 नंबर में 5 नंबर में और आपको बताना होता है। तो जो लीफ होती है, लीफ का ये जो बेस होता है उसे क्या कहा जाता है, लीफ लैमिना कहा जाता है, ठीक है। अभी तो खैर लीफ के डेफिनेशन या लीफ के पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब वो डिस्कस करेंगे लेटर तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूँगी। बस अभी ये देख रहे हैं कि यहाँ ये जो डॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या होते हैं, इन्हीं डॉट्स को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, बीच में गार्ड सेल्स होती हैं, मेसोफिल सेल्स हो गई, और जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल, सारा कुछ, मतलब पूरी डिटेल होती है। अभी मैं फिगर आपको दिखाती हूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
ये जो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लीफ का क्रॉस सेक्शन करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो हमें ग्रीन डॉट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रीन डॉट जो होते हैं वो मेसोफिल सेल्स होती हैं, जहाँ पे ये ग्रीन डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। यानी कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें कुछ सेल्स दिखाई देती हैं जिनको मेसोफिल सेल्स कहा जाता है। ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं उनको मेसोफिल सेल्स कहा जाता है, और इन्हीं मेसोफिल सेल्स में डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इन सेल्स के बीच में गैप गैप होते हैं जिनको कहा जाता है एयर स्पेसेस कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट को एपिडर्मिस कहा जाता है, और ये ऊपर वाला पार्ट अपर हो गया एपिडर्मिस, और नीचे वाला जो पार्ट होता है वो लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो लीफ के क्रॉस सेक्शन एरिया जब करते हैं तो एक पार्ट का अगर हम व्यू देख रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये आपका हो गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि ये जो क्लोरोफिल सेल्स हैं, ठीक, ये जो क्लोरोफिल सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। एक सेकेंड अभी मैं दिखाती हूँ, रुकें। देखें, ये जो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है भाई, अच्छा आखिर किस किन स्टेप्स की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और फोटोसिंथेसिस होता क्या है। नॉर्मल लैंग्वेज में समझें कि ये जो प्लांट है इसे क्या करना है, अपना खाना बनाना है। तो ये जो खाना बनाने के लिए सारे स्टेप्स कर रहा है, उन्हें स्टेप्स को एक नाम हमने दे दिया, और हमने कह दिया कि भाई आपका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो स्टेप्स हुए थे उन्हीं स्टेप्स को अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था कि लाइट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब किया गया था। ये जो लाइट एनर्जी है ये एब्जॉर्ब की गई थी भाई किन के द्वारा एब्जॉर्ब की गई थी, क्लोरोफिल जी के द्वारा। क्लोरोफिल जी ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, ठीक भाई। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है कि जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो गई है तो बाकी आगे का प्रोसेस होगा, तो ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और क्या करेगा, ये H2O को क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अच्छा, अब थर्ड स्टेप क्या हो गया, सही इजी है ना। थर्ड स्टेप में क्या होता है, देखें, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड बनाता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि थर्ड स्टेप में आप कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा और क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा जो कि स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब स्टेप देख लें क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था और ये जो H2O था, दो चीज़ें थी और रिएक्शन हो रहा था, क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट था, CHO CHLO क्लोरोफिल, और यहाँ पे क्या था, सनलाइट था। तो अब जब रिएक्शन हुआ है तो प्रोडक्ट क्या बना है, हमने अभी देखा कि ग्लूकोज बना हुआ है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और क्या बना है, ऑक्सीजन बना है, और क्या बन गया, प्लस H2O। तो ये जो ये जो ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस अभी हुई हैं हमारे बीच, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की रिएक्शन हमने जो करवाई है, और जो प्रोडक्ट मिला हुआ है C6H12O6 और H2O प्लस ऑक्सीजन, तो यही जो होता है फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है कि इन चीज़ों को हम इन्वॉल्व करते हैं, दो चीज़ों को, और ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमें, ये तीन चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक। तो ये सारे जो होते हैं स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म होते हैं जिनको मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आगे जो है वो एक टर्म आपका आता है जिसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और एक टर्म होता है आपका जिसको कहा जाता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या हो गया कि इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, देखिए, ये जो क्लोरोप्लास्ट आपका होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे गोल गोल से स्ट्रक्चर बने होते हैं, फिर इस तरीके से बना होता है, तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक। इसको कहा जाता है स्ट्रोमा, ये जो हो लिक्विड, ये जो है इसको स्ट्रोमा कहा जाता है, ये जो है आपका इसको कहा जाता है थैलेकॉइड, ठीक। ये जो है आपका
इसको कहा जाता है थैलेकोइड, और ये जो होता है ग्रेनम होता है, ठीक है। अब जब लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेनम वाले पार्ट में होती है, और डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्टोमा में होती है, तो यही फ़र्क होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी शुगर फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि शुगर का फॉर्मेशन होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, और डार्क रिएक्शन में कुछ नहीं होता है। तो खैर ये डिटेल में कल इंशाल्लाह देखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लाइक और शेयर कर दें। चलें, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ हेल्दी डे, हैव अ प्रोडक्टिव डे टू।